अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 आपका है फॉन्ट्स की इंस्टॉलेशन और उसे पिक्सेल लैब में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने करना क्या है, हम सीधे सिंपल गूगल पे जाएंगे। और अच्छा, फॉन्ट्स कितने किस्म के होते हैं? फॉन्ट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो तीन किस्म के फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। एक इंग्लिश फॉन्ट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग किस्म के फॉन्ट्स होते हैं, उन्हें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास उर्दू फॉन्ट्स। उर्दू फॉन्ट्स का इस्तेमाल हम ज़्यादातर जो उर्दू वाली पोस्ट बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं या पोट्री पोस्ट, इस तरह की पोस्ट में हम उर्दू फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी होती है अरबिक फॉन्ट्स। अरबिक फॉन्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर हम कैलीग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी के लिए हम उर्दू फॉन्ट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ अरबिक फॉन्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये दोनों ही फॉन्ट्स हम कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश फॉन्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश के पोस्टर्स और टाइपोग्राफी और इस तरह की जो भी चीज़ें उनमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंग्लिश फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं। इंग्लिश फॉन्ट्स में भी दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक TTF फाइल होती है जो कि आसानी से इंपोर्ट हो जाती है, किसमें? पिक्सेल लैब में, यानी कि डायरेक्टली हमने डाउनलोड की और उसे डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं पिक्सेल लैब में। जबकि जो दूसरी फाइल होती है, एक पॉइंट बताना भूल गई, TTF फाइल और OTF फाइल, ये दोनों फाइल ही डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं पिक्सेल लैब में। जबकि एक और एक जो फाइल होती है, मुझे उसका नाम नहीं आई थी याद, मुझे नाम नहीं याद है, मैं बता दूँगी आप लोगों को बाद में। खैर, वो वाली जो फाइल होती है, हाँ zip फाइल, सॉरी याद आ गया, zip फाइल जो होती है उसे हमें वो करना पड़ता है, अनकंप्रेस करना पड़ता है, हम उन्हें डायरेक्टली जो है वो उसमें नहीं इंपोर्ट कर सकते। अनकंप्रेस करने के बाद उसे हम TTF फाइल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम पिक्सेल लैब में जाकर के उसे इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट्स को डाउनलोड करते हैं, इंग्लिश फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा द फॉन्ट .com। ठीक है, तो ये हमारे पास वेबसाइट आ गई द फॉन्ट की, ये वाली। अगर हम पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर द फॉन्ट की ऐप भी आ जाएगी और मज़ीद इसकी वेबसाइट भी, एक और एक है और मज़ीद फॉन्ट्स के लिए वेबसाइट्स मिल रही हैं। ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाते, सिंपल हमने इस फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, यहाँ हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स आ गए। ठीक है, ये पेज थोड़ा सा चेंज आ रहा है, नंबरिंग आती है, अभी मैंने किया था फर्स्ट रिकॉर्डिंग मेरी ख़राब हो गई, हालांकि उसमें बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स आ गए। अब हमने इसमें से अगर कोई फॉन्ट डाउनलोड करना है, अगर हम इस पेज को जूम करें तो यहाँ साइड पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, एक कोई भी फॉन्ट जो हमने डाउनलोड करना है उसे यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट, डाउनलोड हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन दिया हुआ है zip का, zip के फोल्डर में गए, यहाँ हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स आ गए। अभी हमने जो फॉन्ट डाउनलोड किया है वो स्पीड बबल का फॉन्ट है, इसे हमने दबा के रखा तो यहाँ पर टिकआउट हो गया, और मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है अनकंप्रेस का।
है, अनकंप्रेस में जाकर के इस फाइल को अनकंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब ये फाइल हमारे पास अनकंप्रेस हो गई, यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन फाइल हमारी अनकंप्रेस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे पिक्सल लैब में और यहाँ से हम अपना फॉन्ट ऑन करेंगे, फॉन्ट वाला फोल्डर। ठीक है, फॉन्ट वाले ऑप्शन को हमने ऑन किया और ये वाली जो ब्लू लाइन है, जिसके पास ब्लैक पिक्सल लैब है उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि ब्लैक पिक्सल लैब में यहाँ पर हेडिंग्स नहीं लिखी होती हैं, जबकि ब्लू पिक्सल लैब में लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये जो मिड वाला है, मिड वाले पे जाएंगे तो ये देखें मेरे पास फॉन्ट्स आ गए। अब हमने यहाँ पे फॉन्ट्स को ऐड कैसे करना है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, इस पर गए। ठीक है, फॉन्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, फॉन्ट्स के ऑप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा आपका डाउनलोड किया हुआ फॉन्ट, लेकिन मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़रा वायरस का इशू है, तो इसलिए यहाँ से मेरा फॉन्ट वहाँ पे इम्पोर्ट नहीं होगा। अगर फॉन्ट से आप लोगों का भी इम्पोर्ट नहीं होता है तो कोई मसला नहीं है, आप सीधे सिंपल डाउनलोड के ऑप्शन पर जाएँ। ठीक है, ये रहा, डाउनलोड के ऑप्शन पे गए, इससे यहाँ पे मेरे पास कुछ नए और पुराने फॉन्ट्स भी जो मैं डिलीट कर चुकी हूँ या डिलीट हो चुके हैं वो भी शो कर रहे हैं। खैर कोई मसला नहीं है, देखें यहाँ पे TTF फाइल मेरे पास शो कर रही है, ये पहले मैंने डाउनलोड की थी तो मेरे पास इसकी TTF फाइल ही डाउनलोड हुई थी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट TTF फाइल शो कर रही है, जबकि ये बाकी के जो हैं ये TTF फाइल नहीं है। अच्छा खैर, अब जो हमने अपना फॉन्ट अनकंप्रेस किया था उस फॉन्ट को हम यहाँ पर ढूंढेंगे। ये रहा स्पीड बबल, ठीक है, ये हमारा फॉन्ट मिल गया, इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास OTF में फाइल आ गई हमारी। ठीक है, ये OTF फाइल हमारी, इसे हमने क्लिक किया, नहीं सॉरी क्लिक नहीं करेंगे, ये जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड डायरेक्टरी का, यहाँ से हमने इस फॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो देखें ये फॉन्ट मेरा ऐड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने TTF फाइल जो डाउनलोड करनी है वो कैसे करनी है। अच्छा, ये तो था इंग्लिश फॉन्ट्स डाउनलोड करने का तरीका, सिमिलरली हम उर्दू फॉन्ट्स डाउनलोड करेंगे। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि द फॉन्ट्स ही लिख करके डाउनलोड करें, आप लोग इंग्लिश फॉन्ट्स लिखेंगे तो मज़ीद आप लोगों के पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहाँ से भी आप लोग इंग्लिश फॉन्ट्स सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरीका बता देती हूँ, इंग्लिश फॉन्ट TTF, ठीक है, फॉन्ट्स दैट सपोर्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, उसके नीचे इसकी डिटेल्स आई हुई हैं, फॉन्ट्स दैट सपोर्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसकी जो भी लास्ट कुछ होगा, अगर 1942 रिपोर्ट फॉन्ट फैमिली बाय जॉन हॉलमेल जो भी नाम है, डाउनलोड TTF। ठीक है, तो हम इस पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मज़ीद हमारे पास फॉन्ट्स आ गए काफ़ी किस्म के, जैसे जैसे हम इसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये हमारे पास फॉन्ट्स आ गए, ये हमारी मर्ज़ी पर है, मज़ीद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं, हम इन पे भी जा कर के अपना फॉन्ट देख सकते हैं, जो भी फॉन्ट हमें पसंद आए, हमें अपने वर्क के हिसाब से जो भी फॉन्ट चाहिए हो वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। एक फॉन्ट मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेती हूँ, ये वाला फॉन्ट मैं डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, डाउनलोड OTF ऑफ साइट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए, नीचे जाएंगे ओके, ये पे पे करके ये वाले फॉर्म जो है वो हम बाय कर सकते हैं, तो हम इसे रहने देते हैं, बैक बैक जाते हैं, मज़ीद हमारे पास फॉर्म्स हैं TTF फॉन्ट्स में आ गए, लीजियन फॉन्ट्स हैं, देखें यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं। ठीक है, मेट्रोप्लेक्स, बैंटी बोल्ड,
ये फीस वाले अजीब से,